अगर पहाड़ियों को नहीं दिया जाता शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, तो क्या गुजर बिरादरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाएगी क्या? जरा उनको पूछिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर डिसीजन के साथ कौन खड़ा है। पहाड़ी इससे पहले भी खड़ा रहा, पहाड़ी आज भी खड़ा है, हमारे साथ इंसाफ होगा ये हमें यकीन है। लोग कहते हैं, गुजर बकरवाल कहते हैं कि आपको ना बेवकूफ बनाया जा रहा है और आपको गुमराही के रास्ते पर डाला जा रहा है, जबकि दो बार सेशन लगे थे, आपको क्यों नहीं मिला? आपको नहीं लगता कि ये दूरियां यानी जो गैप है उसे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है? हमारा बिल टेबल है, हमारा बिल कंसीडर हो गया है, तो इससे हमें ये समझने की जरूरत है, हमारे लोगों को भी समझने की जरूरत है कि दिस गवर्नमेंट इज वेरी सिंसियर, दिस गवर्नमेंट इज वेरी कमिटेड टू अस। पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस जो है वो कब तक मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार भी विंटर सेशन में बिल जो है वो टेबल है लेकिन अभी भी पास जो है वो नहीं हो पाया। ऐसे में जो गुजर बकरवाल हैं वो एक बार दोबारा घरों से बाहर निकलने को तैयार थे कि अगर इन्हें एसटी मिल जाता है तो हम दोबारा सड़कों पर आएंगे, क्योंकि हमारा हक जो है वो छिन जाता है। तो पहाड़ी एसटी फोरम के कुछ मेंबर्स मेरे साथ हैं, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, एडवोकेट एहसान मिर्जा है, एडवोकेट गुरुदेव ठाकुर है, इनसे जो है वो बात करते हैं। सर, पहला सवाल ना मेरा आपसे है, आप लोग कहते हैं, गुजर बकरवाल कहते हैं कि आपको ना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आपको गुमराही के रास्ते पर डाला जा रहा है, जबकि दो बार सेशन लगे थे, आपको क्यों नहीं मिला? आपको नहीं लगता कि ये दूरियां यानी जो गैप है उसे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश है? देखिए, मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ और हमारे लोग भी ये समझते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लीडरान पिछले 50-60 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ इस गवर्नमेंट ने हमारे केस को प्रोसेस किया है, देखिए ये हमारे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि 2019 से पहले हमारा, जब भी हमारा केस यहाँ से जाता था, जो भी गवर्नमेंट यहाँ से भेजती थी, तो हमारा केस आरजीआई के लेवल पे ही रिजेक्ट हो जाता था। इस बार आरजीआई के लेवल से हमारा केस पास हुआ, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से भी हमारा केस पास हुआ, हमारा बिल बना, हमारा बिल टेबल्ड है, हमारा बिल कंसीडर हो गया है, तो इससे हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी सिंसियर, दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी कमिटेड टू अस। देखिए, जब पिछले दिनों में विंटर सेशन था, हम लोग दिल्ली में भी थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी कम्युनिटी को, हैं हम उनके खादिम हैं, हम उनके सिपाही हैं, हमें जब भी उनकी तरफ से कोई हुक्म होता है, जो हमें कहा जाता है, हम उनके लिए हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट पे हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए, और आप देखोगे, क्योंकि होता है कि पॉलिटिक्स में आपको पता है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये छोटा सा बिल नहीं है, आपको समझना चाहिए कि 15 लाख लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अभी हमारे पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि माननीय अमित शाह जी ने जब हमारी रिजर्वेशन का बिल जब यहाँ पे लागू हुआ, तो कांग्रेस के एक स्टाइल वर्ड लीडर, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि यू आर लाइक, आप डिस्प्यूट कर रहे हैं बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ और आप लड़वाना चाहते हैं, है ना? तो माननीय अमित शाह जी ने क्या जवाब दिया था आगे से? उन्होंने कहा कि ये लड़वाना आपका काम रहा है पिछले 70 साल, हमने गुजरों का 1% नहीं लेना और पहाड़ियों को उनका हक देना है। पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ये कमिटमेंट, आप इसको समझें कि इससे बढ़ के पहाड़ियों को, आपकी मुस्कुराहट और आपका जो टाइमिंग का सवाल है उसी से मेरा जवाब आता है। आपने कहा कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, क्या आपका ये वक्त नहीं है कि वोट भी बीजेपी को चला जाए और फिर आपको एसटी स्टेटस मिल जाए, क्या ये टाइमिंग मैच नहीं करती? देखिए, वोट बीजेपी को अगर हमें शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे के अंदर रखा जाता है, जो हमें लगता है, जो हमें पूरी कमिटमेंट के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि हम उनके टच में, हमें पता है कि हमारी इस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेकर वो सिंसियरिटी कितनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो आप मुझे बताइए, अगर आप भी मेरी जगह हो, अगर आप पहाड़ी कबीले के लीडर हो, तो आप 50 साल से जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और आपके साथ इंसाफ हो, तो वोट किसका हक बनता है? ठीक है, नेचुरली भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूँगा कि वो कहें या ना कहें, पहाड़ी उनके पीछे जान निछावर करेगा। ये मैं आप कहते हैं कि आपके टॉप सोर्सेज यानी आपकी अंदर से बात चल रही है, गुजर भी कहते हैं हमारी भी अंदर बात चल रही है, नहीं मिलेगा? आप गुजर बिरादरी को एक ज़रा अपनी तरफ से सवाल कीजिएगा कि
आप क्या कह रहे हैं कि अगर पहाड़ियों को नहीं दिया जाता शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस तो क्या गुजर बिरादरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाएगी क्या? जरा उनको पूछिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर डिसीजन के साथ कौन खड़ा है। पहाड़ी इससे पहले भी खड़ा रहा, पहाड़ी आज भी खड़ा है, हमारे साथ इंसाफ होगा ये हमें यकीन है। अगर उसमें वक्त भी लग जाता है हम तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े। वक्त इन द सेंस कि अगर इलेक्शन भी हो जाते तब भी आप खड़े रहेंगे? देखिए, इलेक्शन हो आज हो कल हो, लेकिन हमारी सिंसियरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ सिंसियर। गुरुदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, सवाल ना मेरा यही है, चाहे आपकी, मैंने आपको देखा आप दिल्ली में भी थे, आप सब लोगों ने जश्न मनाया इसी तरह से, आपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहने थे, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं कि आपको गुमराही के रास्ते पे धकेला जा रहा है, भाइयों से अलग कर कर लड़वाया जा रहा है? देखिए, लड़वाने वाले वो लोग थे जिन्होंने आज तक हमें दिया नहीं, सिर्फ हमें एक झांसा दिया कि हम आपको ये देंगे आप हमें वोट दो। अब जब सिंसियरिटी से हमारा काम हो रहा है, जो काम पिछले 50 साल में नहीं हुआ वो पिछले 2 साल में हुआ है, हमारी पहाड़ी जो एथनिक ग्रुप है उनकी फाइल RGIC से होते हुए NGST से होते हुए पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होना बहुत बड़ी बात है। और अब जो हमारा काम था वो हो गया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, टाइमिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कब वो हमें देंगे, किस वक्त देंगे। इस बार भी जो हमारा विंटर सेशन था उसमें बड़े हाई होप से पूरी कम्युनिटी के, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका। हालांकि 2-3 बिल जो दूसरे हमारे एक्ट के हुए, कश्मीरी पंडित का बिल हुआ, रिफ्यूजियों का बिल हुआ, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा आने वाला सेशन है फरवरी में उसमें हमारा बिल होगा। सवाल मेरे बेशक होंगे, लेकिन आप देखिए कि आप सब एक ST फोरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने सिर्फ मुझे नहीं, आपने पूरी जनता को जवाब देना जो देख रही है कि आप क्या फैसला सुनाते हैं उन्हें। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहाड़ी लोग भी परेशान हो गए, 2 बार सेशन लग गया नहीं मिला, विंटर सेशन में पूरी उम्मीद थी मिलेगा नहीं मिला, अब पहाड़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि अब वोट देने के बाद में तो नहीं मिलेगा, यानी उनके ST का सौदा सीधा वोटों से तो नहीं होगा कि पहले उनको ST नहीं मिलेगा, पहले वोट दो फिर ST। देखिए, ऐसी कमिटमेंट आज तक तो हमारे साथ हुई नहीं है, लेकिन इससे पहले होती रही है, चाहे वो 96 के इलेक्शन हो, 2002 के हो, 8 के हो, 14 के हो, लेकिन इलेक्शन आते रहेंगे। इसके बाद देखिए, अप्रैल मई में पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसके बाद असेंबली इलेक्शन होंगे, उसके बाद पंचायत इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तो आते ही रहते हैं, हर साल 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई है, वो जो माननीय अमित शाह जी ने रजौरी में 1 लाख लोगों के साथ की, जो बारामूला में की, उसके बाद जो उन्होंने भगवती नगर में की, जो हमारे डेपुटेशन दिल्ली में गए उनके साथ उन्होंने की, उनका यही कमिटमेंट है कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, और उनको जो उनकी जो 40-50 साल से लंबी एक डिमांड चली आ रही है कि उनको उनका हक दिया जाए, वो उनको दिया जाएगा। अब टाइमिंग किस तरह होती है, गवर्नमेंट कब इस पर फैसला लेती है, इतनी चीज़ें हम वो गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं कि वो कब लेगी। हमें ये उम्मीद है, उन्होंने अपनी आपके जरिए अपनी जितने भी हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल मायूस ना हो, आने वाले वक्त में हमें ऐसी स्टेटस जरूर मिलेगा। पहाड़ियों के लिए आपने बता दिया, एक छोटा सा मैसेज अपने गुजर भाइयों के लिए। देखिए, गुजर भाइयों के लिए ये मैसेज है कि अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, उनका बिल्कुल भी कुछ हक नहीं काटा जाएगा, उनकी नौकरियों का, उनकी एडमिशन्स का, उनके स्कॉलरशिप का, उसके अलावा पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा। जब कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहता है तो वो बात रिकॉर्ड होती है, वो अन रिकॉर्ड आती है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कमिटेड है कि जो गुजर बकरवाल कमेटी का 10% है वो उनको उनका रहेगा, उसके अलावा पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा साफ तौर पर हमारे साथ थे पहाड़ी ST फोरम के मेंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पहाड़ी कबीले को, यानी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिल्ली तक भी होकर आए हैं। लेकिन इस बार चलो बिल जो है वो टेबल हुआ था लेकिन पास नहीं हो पाया कि अगले सेशन में ये पास होगा, ये एक बड़ा सवाल है, ये चुनावों के बाद में ही पास होगा, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती है कि होगा क्या।